చేశాను. చెప్పు భయ్యా, తుమ్ క్యో పరేషాను? गुप्त सूचना के आधार पर श्याम हेल्थ सेंटर जो कि अनुसार में अवस्थित दिल्ली गेट के पास उसकी अवस्थिति है, वहां पर जाकर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें ये पाया गया कि मौके पर हेल्थ सेंटर द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा सका. अभिलेख यथा जैसे उसके पास प्रेमाइस की कोई अनुमति होना या कोई ऐसे डॉक्टर होना जो कोई डिग्री धारण करते हों और पेशेंट को देखने के लिए क्वालिफाइड हों. जो साथ ही उस हेल्थ सेंटर में कई सारे मरीज भर्ती हुए थे जिनमें कुछ ऐसे किडनी, हार्ट और लीवर के भी पेशेंट थे जिनका इलाज केवल स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ही किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि केवल MBBS डॉक्टर या कोई ऐसे डॉक्टर इलाज कर सकते हों जो केवल जो है फिजिशियन के रूप में तैनात हों. ऐसे लोगों को देखने के लिए एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होती है. साथ ही साथ वहां पर ICU और वेंटिलेटर, ECG आदि की भी व्यवस्था बताई गई. ऐसे संयंत्रों को चलाने के लिए क्वालिफाइड पर्सनल्स की जरूरत होती है. जब जांच में देखा गया कोई भी क्वालिफाइड पर्सनल नहीं पाए गए, ना ही वो नर्स के रूप में, ना ही वो टेक्नीशियन के रूप में, ना ही कोई डॉक्टर के रूप में, ऐसी स्थिति में ये छापेमारी की कार्रवाई एडिशनल CMO डॉक्टर राजीव प्रसाद के साथ की गई, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उन्हें पता है किस प्रकार की क्या एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, क्या क्या उनके पास जो है अभिलेख होनी चाहिए. इन सब सारी चीज़ों के बारे में बहुत गहनता से जो है देखा गया. साथ ही कोई उनके पास वेस्ट मैनेजमेंट की कोई ऐसी पद्धति नहीं थी कि जो वहाँ पर जो मेडिकल वेस्ट है उसको डिस्पोजल किया जाए. और सबसे बड़ी अनियमितता थी कि वहाँ पर उनका उस प्रेमाइस की कोई जो है रजिस्ट्रेशन न होना. तो इस तरह से सम्यक रूप से सभी अभिलेख इकट्ठे कर लिए गए हैं. उनकी गहनता से जांच की जाएगी कि कब से ये जो अस्पताल है ऑपरेशनल है, कौन से लोग इसमें इलाज करते हैं, किस प्रकार के इलाज किए जाते हैं. क्योंकि कोई भी डोज किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए प्रशासन को जैसे ही पता चलने के मिनट भी नहीं कह सकते, सेकंड के अंदर हम लोगों ने कार्रवाई की और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे FIR दर्ज करते हुए सेंटर को सील कराया गया है और उनके खिलाफ विधिक रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. और भविष्य में सचेत भी किया जाएगा इस तरह की कोई भी पुनरावृत्ति तहसील अनुसार के क्षेत्र में न हो.